पश्चिमी चंपारण जिले के चंपा वन को बाघ अभयारण्य घोषित करने के बाद वाल्मीकि व्याघ परियोजना के अंतर्गत दिनांक 26/11/2011 को जिला पदाधिकारी श्रीधरसी द्वारा थारू बहुल्य 302 गांवों में से 152 गांवों को पत्रांक 11/83 के माध्यम से बफर जोन में शामिल किया गया। हमनी के सरकार ना कुछ सुविधा दिल बड़ा ना कुछ ना कत दिल बड़ा तो किंगे सामने बचावल जाए हमनी के जौन सरकार और से मिलता है हक माने बजनी के सिमरी के चाहे ले के बजनी पिड़ारी पूरा छीन ले वाले अब हमने कती हक जमावल जाए जो हमने के माने करल जाए जो हमने को हक मिली कौन सी सामग्री मिल बा जनरेटर अलवा समियाना अलवा बेटा बेटी के ब्याह शादी करते नि सब में हमने माने कर्जी बर्तन भणिया आवा तब में हमने कर्जी पैंचा खोज के करते तो हमने के मिलल बा सिमरी डुमरी में केकरो बेटे बहन के नहीं खे मिलल विभाग कहाँ सामान देवे के चाहत रहे तो बड़न तो सिमरी में देवे के साथ चाहत रहे घुस पर ले बड़न कि का पर ले बड़न हमने के नहीं मिल तो सिमरी जंगल से कितना दूर पर बा सिमरी हमने के लेके 2 मीटर किलो बा दूर हाँ तो का सिमरी नजदीक बा जंगल से कि डुमरी डुमरी बा तो डुमरी का हक बनता कि सिमरी का हक बनता डुमरी का हक बनता तो का रो लोग मालूम है कि कौन कौन गांव में देले बाड़े रंज रेंज विभाग हाँ तो जंगल किनारे वाला गांव में देले बाड़े कि जंगल से दूर वाला गांव में देले बाड़े ना तो जंगल किनारे का आदमी के नहीं खन देले सरकार जंगल विभाग के डुमरी के किनारे के नहीं खन देले बजनी देले बाड़े पिनारी देले बाड़े हर काटे देले बाड़े तो जंगल किनारे हर काटो देले बाड़े पिलारी दलवाड़ा हमने के जौन बानी सन हमने के नहीं खंड देले जिस समय बफर फेरिपियल एरिया निर्धारित किया जा रहा था उस वक्त बाहर के लोग हमारे गांव को विस्थापित किया जाएगा यह गलत प्रचार कर रहे थे। अब भारत सरकार हमारे गांव को प्रोत्साहन कर रही है तो यह प्रोत्साहन सामग्री उन्हीं बाहर वाले लोग को दे दिया जाए तो यह गलत बात है। इसलिए मैं वीडियो को बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ डुमरी समेत जंगल किनारे बसे गाँवों को यह सामग्री दिया जाए। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप भी हमारी इस लड़ाई में सहयोग करें। जिनके लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी मंगुराहा मोहम्मद अफसार के मोबाइल नंबर है 95-46-54-73-74। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ट के लिए।